नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं 17 चैप्टरों के बारे में, ख़त्म कर चुके हैं। 17वां चैप्टर था आपका संचार व्यवस्था से संबंधित, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में संचार व्यवस्था से संबंधित। इसमें बात करने वाले हैं हम लोग शिक्षा के आयाम। याद रखिए, आपके जितने भी एमपी स्पेशल से संबंधित टॉपिक खत्म होते जा रहे हैं, वो सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डले हुए। जैसा कि आपको पता होगा, 2019 का करेंट अफेयर्स पूरा हम लोगों ने मध्य प्रदेश का देखा हुआ है, तो वो सभी लेक्चर मिल जाएंगे आपको मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स 2019 के नाम से, ठीक है, उसी में डले हुए हैं। याद रखिए, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आंकड़े आपके बदलते रहते हैं, तो उसमें जो करंट में आंकड़े थे उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ से बात करते हैं हम लोग, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 70.6% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। वर्ष 1991 में मध्य प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर 29.4% थी, जो 2001 में 50.3% और 2011 में 59.2% हो गई। इस दौरान प्रदेश में साक्षरता दर पुरुषों की 1991 में 58.5% थी, जो 2001 में बढ़कर हुई थी 76.10%, 2011 में ये 78.7% हो गई। ठीक है, याद रखिए, मध्य प्रदेश में कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या है 4,28,51,169, जिसमें से पुरुष हैं 2,51,74,328, महिलाएं 17,67,464, ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता आपकी जबलपुर में है, 81.1%, ठीक है, कितनी है, 81.1% सर्वाधिक साक्षरता आपकी जबलपुर में है। इन्हीं से पॉइंट पूछे जाएंगे, ठीक है, कि कहाँ क्या है। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, कितनी, 36.1%, सबसे ज़्यादा आपकी जबलपुर में है और सबसे कम है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का इंदौर जिला पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान पर है, जबकि महिला साक्षरता में प्रथम आपका भोपाल है। पुरुष साक्षरता में आपका इंदौर जिला पहले नंबर पर है, महिलाओं में भोपाल। भोपाल जिला की महिलाओं की साक्षरता है 74.9%, जबकि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला आपका अलीराजपुर है, 30.3%। गांव की बेटी योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 में मई दिसंबर 2016 तक 28,25,000 छात्राएं लाभान्वित हुई हैं उससे, ठीक है। प्रतिमा किरण योजना अंतर्गत 2016-17 माह दिसंबर 2016 तक 3,38,000 छात्राएं लाभान्वित हुई। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू इंदौर में स्थित है, कहाँ है, महू इंदौर में, जिसे 14 अप्रैल 2015 को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में देश की पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, यह 2016 में प्रारंभ होगी, 2016 में प्रारंभ हुई है, ठीक। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन रिसर्च सेंटर पुणे से इसे 350 करोड़ की लागत स्थापित करेगा, ठीक है, सहायता करेगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की स्थापना 1996 में इंदौर में की गई थी, जो देश का छठे नंबर का मैनेजमेंट संस्थान है, ठीक। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
अधिनियम 2009 विदेश में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील हुआ है। विदेश में केंद्रीय सहायता से वर्ष 2010-11 में 9 नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दतिया, रायसेन, कटनी, अनूपपुर, मंदसौर, अलीराजपुर, शाजापुर, देवास, उमरिया में प्रारंभ किए गए। वर्ष 2011-12 में 7 नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जतारा, पवई, सेंधवा, नसरुल्लागंज, इटारसी, राजगढ़, सिरोंज में प्रारंभ किए गए। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 पारित किया गया था। एशिया का प्रथम फिजिकल कॉलेज लक्ष्मीबाई कॉलेज आपका ग्वालियर में है, भोपाल में इसका क्षेत्रीय केंद्र है, याद रखना है, ये कई बार पूछ लिया एमपी। एशिया का प्रथम फिजिकल कॉलेज लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज आपका ग्वालियर में है, भोपाल में इसकी क्षेत्रीय केंद्र है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय विधि संस्थान आपका भोपाल में है, फॉरेंसिक पुलिस महाविद्यालय आपका सागर में है, मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय आपका मंदसौर में है, सागर विश्वविद्यालय के अंतर्गत सर्वाधिक महाविद्यालय आते हैं आपके, ठीक है, याद रखिए। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता के नाम से भोपाल में स्थापित है, ठीक है। सबसे नवीनतम मेडिकल कॉलेज आपका सागर है, सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय आपका ग्वालियर में 1946 में बना था, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय आपका भोपाल में है, मध्य प्रदेश का समाज कार्य महाविद्यालय आपका इंदौर में है, मध्य प्रदेश का कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय आपका जबलपुर में है, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना 1968 में हुई थी, ठीक है। देश का पहला आतंकरोधी प्रशिक्षण स्कूल भोपाल में है, देश का पहला आतंकरोधी प्रशिक्षण स्कूल आपका भोपाल में खोला जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र का पहला पत्रकारिता महाविद्यालय आपका इंदौर में है, मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय सीहोर में है, मध्य प्रदेश के रीवा में सैनिक स्कूल स्थापित है, ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश के रीवा में सैनिक स्कूल है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी सागर में है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका भोपाल में है, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय आपका भोपाल में है, इसका संभागीय कार्यालय आपका इंदौर में है। विदेश का देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय आपका इंदौर देश का प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसमें ईस्टर्न मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका के साथ अध्ययन, अध्यापन व अनुसंधान संबंधी परस्पर सहमति पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन ने नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 2007-08 में गंजवासौदा विदिशा में की है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 2 है। मध्य प्रदेश के सागर में स्थित डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय को वर्ष 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में भेल द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू स्कूल को देश में पहली बार ISO 9001 तथा ISO 14001 प्रमाण पत्र मिलने का गौरव हासिल हुआ है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्कूल को, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में की थी, ठीक है। विदिशा जिले की सिरोंज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ कराए जाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग मेडिकल शिक्षा प्रदान किए जाने की योजना है। जुलाई 2008 में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय आपका इंदौर में स्थापित हुआ है, कब, 2008 में महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय आपका कहाँ है, उज्जैन। राजेंद्र माथुर पत्रिका पीठ की स्थापना देवी अहिल्याबाई
विश्वविद्यालय इंदौर में की गई है। इंदौर देश का एकमात्र स्थान है, इंदौर देश का एकमात्र स्थान है जहाँ IIM 1996 में स्थापित हुआ और IIT 2009 में। ठीक है, यहाँ दोनों संस्थान है, IIM भी है IIT भी है। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय आपका भोपाल को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। विदेश का पहला बालिका शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज आपका शिवपुरी में स्थापित किया गया। ठीक, आगे बात करते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय में 15 देशी और 13 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की सुविधा है, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। देश में एकमात्र भारतीय सूचना संस्थान इलाहाबाद में है, ऐसे ही संस्थान जबलपुर और कांचीवरम में स्थापित हैं। ठीक है, देश में एकमात्र भारतीय सूचना संस्थान आपका इलाहाबाद में है। ठीक, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में गीता सार 20 अप्रैल 2011 को शामिल किया गया। एशिया में पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की अनूपपुर जिले की अमरकंठक में 2008 में स्थापित किया गया था, याद रखना। राज्य में वर्ष 2015-16 में 14-15 में प्राथमिक शालाओं की कुल नामांकन, ये पुराने इन्हें नहीं पढ़ना है। ठीक, इसे ही याद रखना है आपको। एशिया के पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की अनूपपुर जिले अमरकंटक में स्थापना हुई थी 2008 में। ठीक है, बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत धार जिले में इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। NTPC के सहयोग से शिवपुरी में राज्य क्षेत्र के इंजीनियरिंग महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। जिला सिंगरौली में NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड तथा NTPC के सहयोग से माइनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कहाँ? सिंगरौली में। लटेरी हरसूद एवं बरेली में नवीन पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण की प्रगति पर है। ठीक है, नवीन जिलों में आगर मालवा में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना 2017-18 में की गई। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में सृजन पीठ। क्या? मध्य प्रदेश में सृजन पीठ आदि शंकराचार्य पीठ आपकी ओंकारेश्वर, परशुराम पीठ जानापाव, महादेवी वर्मा पीठ हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, निर्मल निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, मुक्तिबोध सृजन पीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, सुमित्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में, बाल साहित्य सृजन पीठ आपका भोपाल में। ठीक है, विश्वविद्यालय की बात करें तो मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 15 प्रांतीय विश्वविद्यालय, 2 केंद्रीय, 3 डीम्ड विश्व। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 15 प्रांतीय विश्वविद्यालय, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 3 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ये सागर में, और ये MP का सबसे पुराना है। ठीक है, और दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ये है आपका अमरकंटक अनूपपुर में। ठीक है, याद रखिए इन दोनों को। और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की बात करें तो 7 मेडिकल, 3 वेटनरी, 1 दंत, 1 यूनानी, 1 होम्योपैथिक, 7 आयुर्वेदिक महाविद्यालय, 5 अशासकीय मेडिकल कॉलेज भी हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो ये गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय 1946 में ग्वालियर राज्य में है। ठीक है, याद रखना है आपको, ग्वालियर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में ही है। और याद रखना, ये राज्य का पहला चिकित्सा महाविद्यालय है, गजरा राजे चिकित्सा। ठीक है, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय ये इंदौर में है आपका।
शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय आपका ये जबलपुर में है, श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय आपका रीवा में है, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में है, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय आपका सागर में 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, शासकीय चिकित्सा कॉलेज आपका रतलाम में। ठीक, वेटरनरी कॉलेज तीन राज्य में, राज्य में तीन है, एक जबलपुर में, दूसरा महू में, तीसरा रीवा में। ठीक है, इंदौर के निकट है महू। आगे बात करें हम लोग आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक सात महाविद्यालय सात हैं, ग्वालियर जबलपुर रीवा इंदौर बुरहानपुर भोपाल उज्जैन में। दो निजी महाविद्यालय भी कार्यरत हैं। दंत कॉलेज की बात करें तो एकमात्र शासकीय दंत कॉलेज आपका इंदौर में है, प्राइवेट डेंटल कॉलेज आपके 11 हैं। राज्य में 19 होम्योपैथिक कॉलेज हैं जिनमें से मात्र एक ही शासकीय से एक निजी है। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में, कहाँ? बुरहानपुर में। ठीक है, नर्सिंग महाविद्यालय राज्य का एकमात्र नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर में है आपका। कैंसर चिकित्सा की बात करें, चिकित्सालय की, तो मध्य प्रदेश में तीन कैंसर हॉस्पिटल है, एक इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। ठीक है, मानसिक चिकित्सालय मध्य प्रदेश में दो हैं, एक इंदौर बाढ़ गंगा और दूसरा ग्वालियर। ठीक है, याद रखिए। मध्य प्रदेश में दिल्ली स्थित एम्स के अनुरूप उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा से युक्त राजमाता विजया राजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई। ठीक है, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आठ हैं, सर्वप्रथम जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आपका ग्वालियर में कार्यरत है, जबकि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना जबलपुर में प्रस्तावित है। देश का पहला हिंदी विश्वविद्यालय आपका भोपाल में है, देश का पहला हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में है, और इसके प्रथम कुलपति थे श्री मोहनलाल छीपा। हिंदी विश्वविद्यालय विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी ब्रज अवधि मैथिली सहित 18 बोलियों को संरक्षित करने की योजना बना रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली के राज्य में 8 केंद्र हैं, इंदौर भोपाल पहला केंद्र 1887 में, जबलपुर ये भोपाल में था, ठीक है, पहला केंद्र जबलपुर, ग्वालियर रीवा, बैतूल, सतना और सागर में इसके केंद्र हैं। ठीक, बात करें मध्य प्रदेश के अन्य शिक्षण संस्थानों के बारे में, मध्य प्रदेश के अन्य शिक्षण संस्थानों के बारे में, तो याद रखिए राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल की स्थापना 1987 में प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रशिक्षण के स्वरूप को अधिक सक्षम बनाने के लिए की गई थी। राज्य स्त्री शिक्षा परिषद की बात करें तो स्त्री शिक्षा परिषद की स्थापना 1960 में की गई। इसका पुनर्गठन पहले 1964 में, फिर 1973 में हुआ, ठीक है, दो बार। राज्य शिक्षण संस्थान आपका भोपाल में है, राज्य शिक्षण संस्थान की स्थापना 1973 में विद्यालयीन शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य की गई थी। राज्य विज्ञान संस्थान आपका जबलपुर में है, यह संस्थान विज्ञान विषय पढ़ाने वाले स्नातक शिक्षकों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता है। शारीरिक शिक्षा, योग प्रशिक्षण एवं क्रीड़ा, राज्य में शासकीय स्तर पर एक शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय स्कूल शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत है। पुरुष के लिए शिवपुरी में तत्या टोपी राज्य प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। राज्य में शासकीय स्तर पर योग प्रशिक्षण संस्थान शिवाजी नगर भोपाल में कार्यरत है। ठीक, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन को 1994 में स्थापित किया गया था। यह एक पंजीकृत स्वायत्त संस्था है, इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक, फिर मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल, मध्य प्रदेश में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 1995 में
मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की बात करें तो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1959 के तहत अंतर्गत 7 अगस्त 1968 को की गई थी। इसकी स्थापना निगम का कार्य संचालन मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम निगम विनिमय 1974 में निहित प्रावधानों के अनुसार होता है। निगम का ध्येय मध्य प्रदेश के साले स्तर के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पाठ्य पुस्तकें लागत मूल्य पर उपलब्ध कराना है। फिर माध्यमिक शिक्षा मंडल, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल अधिनियम 1965 के द्वारा शासित एक स्वायत्त शासी निगमित निकाय है। मंडल का कार्य संचालन माध्यमिक शिक्षा मंडल अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार है। ठीक। फिर है उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट स्तर की उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से राज्य शासन ने इस संस्थान की स्थापना भोपाल में 1995 में की थी। कब? 1995। फिर है आपका राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1998 में की गई। मध्य प्रदेश की विधानसभा द्वारा पारित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 के अंतर्गत की गई थी। फिर आपका सेंट्रल फॉर रिसर्च इंडस्ट्रियल स्टॉक परफॉर्मेंस किप्स भोपाल में जर्मनी के तकनीकी सहयोग से 1997 में किप्स को स्थापित किया गया। तकनीकी संस्थान के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों तथा रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए उनकी आवश्यकता व मांग विशेष के अनुरूप किप्स में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। फिर आपका संस्कृत विश्व संस्कृत शिक्षा का विकास, संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं विकास व उनके उसके प्रचार प्रचार हेतु 6 जनवरी 2001 में मध्य प्रदेश में संस्कृत बोर्ड का गठन किया गया। राज्य में 790 संस्कृत शालाएँ बोर्ड से संबद्ध हैं। ठीक। फिर है आपका राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC। राज्य में NCC की गतिविधियों के संचालन हेतु संचालनालय का मुख्यालय भोपाल में है। राष्ट्रीय कैडेट कोर संचालनालय के अंतर्गत भोपाल, जबलपुर, सागर, इंदौर में 5 ग्रुप मुख्यालय स्थापित हैं। औपचारिक शिक्षा योजना, औपचारिक शिक्षा योजना ये 1975 में प्रारंभ की गई। इसके तहत 36,000 शिक्षक केंद्र संचालित हैं नेशनल डाटा सेंटर भोपाल में। ठीक है। फिर है आपकी मध्य प्रदेश शिक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। ठीक है। तो ये स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण की योजना, यह योजना मुख्यतः स्वास्थ्य विभाग की योजना है। इसके अतिरिक्त इसमें स्कूल शिक्षा विभाग की भी अहम भूमिका है। ठीक है। और फिर विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना, राज्य शासन द्वारा राज्य में शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना स्वीकृत की गई। फिर मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी योजना, मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी योजना, यह योजना 1 जनवरी 1997 से लागू है राज्य में। इस योजना के अंतर्गत ऐसी समस्त बसावटें जहां 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की कोई अन्य सुविधा नहीं है, जहां शाला जाने योग्य 40 बालक बालिकाएं सामान्य क्षेत्र में, 25 बालक बालिकाएं आदिवासी क्षेत्र में उपलब्ध हैं, वहां समुदाय की मांग पर शासन द्वारा प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाती है। ठीक है। इस योजना का क्रियान्वयन 90 दिन के अंदर किया जाना जाता है। फिर है अभिनव योजना, राज्य में उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की योजना है। शंखनाद योजना 26 जनवरी 1997 को आदिवासियों को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। फिर है पढ़ना बढ़ना योजना, वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश शासन ने पढ़ना बढ़ना योजना शुरू की थी।
फिर स्कूल चले हम अभियान। साला त्याज की दर को कम करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने यह अभियान 2009-10 से लागू किया था। ठीक है, फिर आपकी छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2008-09 में प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत निम्न छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सुदामा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक मैट्रिक प्रवीण छात्रवृत्ति योजना, सुदामा शिष्यवृत्ति योजना, डॉक्टर APG अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, वित्तहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति, मृत अपंग सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बच्चों के लिए छात्रवृत्ति। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण सत्र 2012-13 से बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत एकलौती बेटी शिक्षा विकास छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, फिर आगे मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, राज्य शासन स्कूल के शिक्षा विभाग द्वारा 2009-10 में मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 12वीं में 85% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को कंप्यूटर क्रय हेतु 25,000 रुपये प्रति छात्र के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह प्रोत्साहन राशि वर्ष 2009-10 से प्रदान की जा रही है। गांव की बेटी योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में की छात्राओं में उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए गांव की बेटी योजना 2005 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट था इसका 1685 लाख का। ठीक, गांव की बेटी योजना के अंतर्गत 2016-17 में 28,251 छात्राएं लाभान्वित हुई हैं। ठीक है, प्रतिभाकरण में 3,377 छात्राएं लाभान्वित हुई हैं। वर्ष 2016-17 में निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना, निःशुल्क साइकिल योजना अंतर्गत कक्षा 9वीं में शासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाली ग्रामीण क्षेत्र के समस्त प्रवर्ग के छात्र छात्राओं को जिनके गांव में शासकीय हाई स्कूल नहीं है, जो शहर के शासकीय स्कूल में अध्ययन के लिए जाते हैं, ऐसे पात्र छात्र छात्राओं को समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2016-17 में लघु उद्योग निगम के माध्यम से साइकिल क्रय कर प्रदान की जा सकती है। कक्षा 9वीं में की लगभग 4.16 लाख छात्र छात्राएं इस योजना से लाभान्वित होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, शैक्षणिक योजनाएं हैं जो उन्हें भी देख लेते हैं। स्कूल शिक्षा के लिए विभिन्न केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं। व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा विभाग ने 260 उच्चतर विद्यालय में शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित किए हैं। राज्य में वर्तमान 251 विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत 24 विषय पढ़ाए जा रहे हैं। फिर मध्यान्ह भोजन, भारत सरकार के सहयोग से राज्य की शासकीय और अशासकीय शालाओं में 2 अक्टूबर 1995 में यह योजना लागू की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान, प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के उद्देश्य से भारत शासन द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय भागीदारी 75:25 है। फिर आपकी अगली बालिका शिक्षा हेतु भारत शासन का विशेष कार्यक्रम, राज्य में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 280 विकास खंडों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 52 लाख बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश का वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार, इसके लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व होगा। राज्य के लिए 8 प्राथमिक 4 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता है। फिर है आपकी सुपर 100 योजना, सुपर 100 योजना, शासकीय स्कूलों में कक्षा 10वीं में
उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को व्यावसायिक संस्थाओं आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रशिक्षण हेतु भोपाल में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं इंदौर के शासकीय मलहरा श्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सुपर 100 योजना संचालित है। वर्ष 2015-16 में 3 करोड़ रुपए के प्रावधान से 481 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2016-17 में 3.06 करोड़ रुपए के प्रावधान से 509 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। ठीक, फिर है आपकी विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना। यह योजना 1 अप्रैल 2009 से लागू हुई है। यह योजना मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त केंद्रीय अनुदान से संचालित है। इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक सामान्य विद्यालय में अध्ययन करने वाले सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 3000 रुपये प्रति के मान से सुविधा भत्ता प्रदान किया जाता है। राज्य शासन भी 600 रुपये प्रति बच्चों के मानदान से टॉप अप मनी प्रदान करती है। वर्ष 2015-16 में उक्त दर से 12,062 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण और बिंदु हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। ठीक है, प्रदेश में 1978 में पढ़ो कमाओ योजना को संचालित किया जा रहा है। 20 अगस्त 1994 से शिक्षा के लोक व्यापीकरण के उद्देश्य से राजीव गांधी शिक्षा मिशन का आरंभ किया गया था। वर्ष 1999 में पढ़ना वढ़ना आंदोलन की शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश में। ठीक, वर्ष 1991 में प्रदेश में संपूर्ण साक्षरता अभियान को प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में ST/SC की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जनवरी 2006 में से प्रदेश में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया गया। सन 2000 में हेड स्टार्ट योजना का प्रारंभ स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। वर्ष 2005 में बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय गांधी विद्यालय योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण कृषि महाविद्यालय हैं। ठीक, ये कृषि महाविद्यालय स्थान है जहाँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आपका जबलपुर में है। कृषि महाविद्यालय एक इंदौर में भी है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ये आपका ग्वालियर में है। RAK कृषि महाविद्यालय आपका सीहोर में है। कृषि महाविद्यालय एक आपका मंदसौर में है। रीवा में भी है एक कृषि विद्यालय, एक खंडवा में भी है, गंजवासोदा विदिशा में भी है। उद्यानिकी महाविद्यालय आपका मंदसौर में। ठीक, कहाँ है? मंदसौर। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों की बात कर लेते हैं। ठीक, ये विश्वविद्यालय हैं, ये स्थान है, स्थापना वर्ष है की डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय ये सागर में है आपका। 18 जुलाई 1946 को स्थापना हुई थी इसकी, सबसे पुराना है। ठीक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय आपका जबलपुर में है, ये 1957 में स्थापना हुई इसकी। विक्रम विश्वविद्यालय ये आपका उज्जैन में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई। जीवाजी राव विश्वविद्यालय आपका ग्वालियर में है, 1964 में इसकी स्थापना हुई। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय आपका इंदौर में है, 1964 में इसकी स्थापना हुई। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आपका जबलपुर में है, 1964 में इसकी स्थापना हुई। अवधेश प्रताप सिंह रीवा में भी है, 1968 में इसकी स्थापना हुई। जबलपुर वाले की याद रखना 1964 में, और रीवा में जो अवधेश विश्वविद्यालय है, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय, इसकी 1968 में। ठीक, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय आपका भोपाल में 1970 में इसकी स्थापना हुई। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में है, 1991 में इसकी स्थापना हुई। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना में 1991 में इसकी स्थापना हुई। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में
1991 में इसकी स्थापना हुई। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में है आपका, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के अमरकंटक अनूपपुर में 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय आपका ग्वालियर में 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय आपका उज्जैन में 2008 में इसकी स्थापना हुई। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में आपका 2008 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल में 1997 में इसकी स्थापना हुई। महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय अशासकीय विश्वविद्यालय कटनी में 2009 में इसकी स्थापना हुई। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर में 2010 में इसकी स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ये भोपाल में 2011 में इसकी स्थापना हुई। बौद्ध विश्वविद्यालय ये सांची में है, 21 सितंबर 2012 को इसकी स्थापना हुई। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में 2015 में इसकी स्थापना हुई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये भोपाल में आपका 2014 में हुई इसकी स्थापना। अम्बेडकर विश्वविद्यालय महू में 2015 में इसकी स्थापना हुई। धीरूभाई अंबानी विश्वविद्यालय आपका भोपाल में प्रस्तावित है। एक कृषि विश्वविद्यालय आपका होशंगाबाद में प्रस्तावित है। ठीक, तो ये था आपका शिक्षा से संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य थे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर लिए हैं। आगे हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, देखेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य को। ठीक है।